नमस्कार ज्योतिष शास्त्र प्रेमी मान्यवर एवं अध्ययनकर्ताओं का मैं डॉक्टर ज्योति जोशी हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष शास्त्र के प्रचार प्रसार हेतु एवं इस अनमोल शास्त्र को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमने यह ऑनलाइन निःशुल्क ज्योतिष शास्त्र सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। हमें खुशी है कि हमारे द्वारा किए गए इन प्रयासों का आप बड़े उत्साह से लाभ उठा रहे हैं। और हाँ, यह शास्त्रीय जानकारी है, तो अगर आप बीच में ही किसी भी वीडियो पर पहुंच जाते हैं तो सही पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आपसे अनुरोध है, आप क्रमवार भाग एक से देखना शुरू करें। इसलिए हमने स्वतंत्र प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए विषय की शुरुआत करते हैं। सभी ग्रहों में से एक ऐसा ग्रह है कि जिसके केवल नाम से ही सभी डरते हैं, वो है शनि। शनि के बारे में हमारे यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में नकारात्मकता फैली हुई है। ज्योतिष में शनि को पाप ग्रह भी कहा गया है। सार्वजनिक जीवन में मनुष्य शनि महाराज से इतना भयभीत हो जाता है कि एक साधारण सी ठोकर भी लग जाए और पीड़ा हो तो उसके मुख से क्या शनि मेरे पीछे लगा है, ऐसे शब्द अपने आप निकलते हैं। अब देखिए, चल हम रहे होते हैं, हमारा ध्यान नहीं था, इसीलिए हमें ठोकर लगी, लेकिन शनि महाराज का क्या दोष है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम शनि महाराज को ही बोल दे देते हैं। इनके साढ़े साथी के बारे में तो बात करने की भी ज़रूरत नहीं। साढ़े साथी का सिर्फ नाम लो तो भी लोग डर जाते हैं और आत्मविश्वास खो देते हैं। वास्तव में जैसे अन्य ग्रह अनुकूल परिस्थितियों में शुभ फल देते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में अशुभ फल देते हैं, वैसे ही शनि महाराज भी फल देते हैं। हालांकि शनि एक पाप ग्रह है, लेकिन यह अशुभ होने पर ही परेशानी का कारण बनता है। एक बात तो पक्की है, हम जो करते हैं उस पर शनि महाराज की कड़ी नज़र रहती है। मनुष्य के मन में अहंकार आ जाए तो शनि महाराज उसे उसके असली स्थान पर लाने का कार्य करते रहते हैं। अति आत्मविश्वास हमेशा खतरनाक होता है। अभिमानी का घर भी हमेशा नीचे रहता है। ऐसी जो कहावतें हैं उन्हें वैज्ञानिक आधार है। यह कहावतें हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझकर बनाई हुई है, क्योंकि शनि महाराज के कार्यकत्व में कर्तृत्व में एक विभाग आता है जब कोई जातक अहंकार से व्यवहार करने लगता है, अहंकार से सोचने लगता है, तो शनि महाराज उसे समझ देते हैं। और साढ़े साथी का समय जातक को समझ देने का समय होता है। अब साढ़े साथी क्या है, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें शनि महाराज के बारे में अन्य बातों को समझना होगा। एक राशि में शनि 2.5 वर्ष तक रहते हैं। इसका अर्थ है कि शनि महाराज एक राशि में 2.5 वर्ष तक निवास करते हैं। सभी ग्रहों में शनि की गति अत्यंत धीमी है, अतः शनि की दशा 7.5 वर्ष की होती है, जिसे हम शनि की 7.5 साथी कहते हैं। इस 7.5 साथी को लेकर हमारे मन में कई तरह की नकारात्मक बातें होती हैं। वास्तव में देखा जाए तो हम यह कह सकते हैं कि यह एक सुनहरा अवसर होता है जो ईश्वर ने हमें आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए दिया है। 7.5 साथी का काल जातक की परीक्षा का काल है। कोई भी मनुष्य सामान्य जीवन तो जीता ही है। अगर आप जीवन में कुछ असाधारण हासिल करना चाहते हैं तो 7.5 साथी का समय बहुत अच्छा है। इस दौरान आदमी पूरी तरह से जांचा परखा जाता है। अन्य ग्रहों के कारकत्व और शनि के कारकत्व में बड़ा फर्क होता है। जैसे कि मंगल जल्दबाजी और शीघ्रता का कारक है, तो
शनि धीमी सोच वाला और गंभीर ग्रह है। मंगल खर्चीला है जबकि शनि मितव्ययी है। शनि गुरु की तरह बुद्धिमान नहीं है लेकिन नैराश्यवादी वृत्ति दिखाने वाला है, अकेले रहने को प्रवृत्त करने वाला है। शुक्र गाल पर गिरने वाली सुंदर सी गड्डी है तो शनि माथे पर आने वाली शिकंज है। शनि आप मतलबी और गुप्तता की ओर झुकने वाला ग्रह है। शनि का कार्य बड़ा शानदार होता है, दिमाग में लगातार कुछ बड़ा करने का ख्याल चालू रहता है। हालांकि मंद गति के कारण जातक में यह धीमापन साफ दिखाई देता है। शनि के प्रभुत्व वाले लोग कोई भी निर्णय सोच समझकर ही लेते हैं, इसीलिए निर्णय लेने में उन्हें लंबा समय लगता है। लेकिन फैसला सोच समझकर लेने के कारण यह लोग अपने फैसले पर अड़े रहते हैं। मुख्य बात यह है कि उनके निर्णय भी सटीक होते हैं। शनि के जातक बुद्धिमान और विवेकशील होते हैं। सहनशीलता और दृढ़ता यह उनके मुख्य गुण होते हैं। हालांकि अपने स्वभाव के अनुसार यदि शनि की शक्ति को संधि ना मिले तो शनि के जातक चिंतित और निराश हो जाते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। वे आत्मविश्वास खो देते हैं लेकिन शनि का मुख्य स्वभाव यह है कि वो कर्म के आधार पर फल देता है। यदि कुंडली में शनि महाराज अनुकूल है तो रंग से राजा बनाने का सामर्थ्य उनमें होता है। शनि महाराज को तीनों लोकों का न्यायाधीश कहा जाता है, इसलिए जिसका शनि प्रबल होता है ऐसा व्यक्ति भी न्यायाधीश की भूमिका में जी रहा होता है। इन लोगों को न्याय करना मन से पसंद आता है। मुख्य बात यह है कि उनके पास उतनी वैचारिक शक्ति होती है। यदि कुंडली में शनि प्रबल हो तो जातक के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शनि के बलवान होने से जातक कर्मठ मेहनती कर्मप्रिय और न्यायप्रिय हो जाता है। इसके फलस्वरूप जातक अपने क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में जातक में धैर्य यह महत्वपूर्ण गुण बढ़ जाता है और साथ ही वह अपने जीवन में स्थिरता भी प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ यदि शनि बलवान हो तो जातक की आयु भी बढ़ती है। यह सब हुए बलवान शनि महाराज के फल। किंतु यदि शनि महाराज की अवकृपा हो जाए तो जातक के जीवन में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। उसके जीवन में तरह तरह की आपदाएं आती है। यदि शनि मंगल ग्रह से पीड़ित हो तो जातक के जीवन में दुर्घटनाएं और कारावास का योग भी तैयार होता है। शनि महाराज कुंडली में कर्म और संस्कारों को दिखाते हैं, यानी निसर्ग कुंडली में शनि दसवें और ग्यारहवें भाव का कारक ग्रह है। दशम स्थान कर्म स्थान और ग्यारहवां लाभ स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। ये दो भाव ऐसे हैं जो दिखाते हैं कि आपके द्वारा किए गए कर्म से आपको क्या लाभ होगा। शनि पूर्व कर्म और भाग्य का कारक ग्रह है, इसीलिए शनि महाराज हमें पूर्व जन्म के कर्मों का फल देते हैं। संक्षेप में भुक्तो और मुक्त हो जाओ यह शनि महाराज का न्याय है। अब सौर मंडल में शनि महाराज की स्थिति की बात करें तो गुरु ग्रह के बाद शनि महाराज आते हैं। शनि महाराज सूर्य से 88 करोड़ मील की दूरी पर है। शनि को सूर्य की परिक्रमा करने में 29 साल 5 महीने और 21 दिन का समय लगता है। शनि के कुल 9 उपग्रह यानी चंद्रमा है। शनि के उपग्रह में सबसे बड़ा चंद्रमा बुध से भी बड़ा है। शरीर के अंगों की दृष्टि से देखें तो शनि महाराज का प्रभाव हड्डियों त्वचा दांत घुटनों कान जोड़ों आदि पर देखा जाता है। बीमारियों के बारे में बात करें तो दीर्घकालीन रोग लकवा दमा
टीबी, क्षय रोग, मांसपेशियों के विकार, जोड़ों का दर्द, चर्म रोग, बालों का झड़ना, जुकाम, लंगड़ापन, बहरापन आदि रोग शनि महाराज के प्रभाव से होते हैं। व्यापार एवं नौकरी के बारे में बात करें तो ऑटोमोबाइल, धातु से संबंधित व्यापार, इंजीनियरिंग, कड़ी मेहनत वाले काम आदि बातों को ज्योतिष में शनि द्वारा देखा जाता है। उत्पाद के मामले में चमड़े के उत्पाद, चप्पल, एयर कंडीशनर, फ्रिज, सीमेंट, कोयला आदि का संबंध शनि महाराज से है। स्थानों के प्रभाव के संदर्भ में शनि महाराज का गटर, जंगलों, गुफाओं, कब्रिस्तानों, तेल, उजाड़ बस्तियां आदि स्थानों पर शनि का प्रभाव होता है। ज्योतिष शास्त्र के एक एक विषय का हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। चूंकि यह विज्ञान है और हम बेसिक से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आज आप यह सीख जाते हैं तो आप पक्का ज्योतिष सीख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। ज्योतिष के प्रति आपके मन में सम्मान अवश्य बढ़ा होगा। यह सीखने के लिए आपका उत्साह भी बढ़ा होगा। लेकिन यह भी सच है, चूँकि यह वैज्ञानिक जानकारी है, एक बार सुनने से उसे समझने की संभावना कम है। इसलिए वीडियो फिर से तब तक देखें जब तक विषय पूरी तरह समझ में ना आ जाए। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। प्रश्न पूछते समय हैशटैग एस्ट्रोगुरुमा लिखकर प्रश्न की शुरुआत करें। आपके प्रश्न का उत्तर देना मेरी जिम्मेदारी होगी। यदि प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है तो उस पर हम अलग वीडियो बनाने का भी प्रयास करेंगे। आप स्क्रीन पर कुछ और वीडियो देख सकते हैं, ज्योतिष के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है तो उनका भी आप लाभ उठाएं। ज्योतिष का अध्ययन करते रहे और अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।